एमिली एक 28 साल की लड़की है। वह ग्राफिक्स डिजाइनर है। उसका पति मार्टिन पिछले 4 साल से जेल में है। उसने ट्रेडिंग में फाइनेंशियल फ्रॉड किया था, जिसके वजह से उसे जेल हुई थी। वह आज जेल से रिहा हो रहा है। जैसे ही मार्टिन जेल से बाहर आता है, दोनों गले मिलते हैं। इतने साल के बाद जो वो मिल रहे हैं, घर में आने के बाद वह एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं और इतने सालों की कसर पूरी करते हैं। मगर न जाने क्यों एमिली खुश नहीं है। दूसरे दिन सुबह वह पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठती है और न जाने क्यों वह अपनी गाड़ी पार्किंग की दीवार पे जोर से डैश करती है। पहली नज़र में हमें यही लगता है कि वह एमिली का सुसाइड अटेम्प्ट था। एमिली बच जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। अब चूंकि यह उसकी हरकत एक सुसाइड अटेम्प्ट लग रही थी, तो हॉस्पिटल की तरफ से एक साइकेट्रिस्ट उसे मिलने आता है। उस डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर जॉन बैंक्स। वह जानना चाहता है कि एमिली की दिमागी हालत क्या है। अगर वह सुसाइड की कोशिश थी तो वह मेंटली डिप्रेस है और डिप्रेशन को एक बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। एमिली जॉन को बताती है कि वह हॉस्पिटल नहीं रह सकती क्योंकि उसका हस्बैंड अभी अभी जेल से रिहा हुआ है और अभी वो कोई जॉब नहीं कर रहा, तो घर एमिली के ही पैसों से चल रहा है। इन शॉर्ट वह जॉन को सूचित करती है कि हो सकता है यही उसके डिप्रेशन का कारण हो। अब जॉन जान जाता है कि एमिली ने जानबूझ के अपनी गाड़ी दीवार से टकराई और खुद को जख्मी करने की कोशिश की। जॉन यही निर्णय पर आता है कि एमिली को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एमिली उससे कहती है कि हॉस्पिटल में रहने की बजाय वह उसके क्लिनिक आना पसंद करेगी। जॉन एमिली को इस बात पर डिस्चार्ज देने को तैयार होता है कि वह हफ्ते में एक बार उसके क्लिनिक आएगी। जॉन कुछ दवाई लिख के देता है और एमिली को डिस्चार्ज देता है। अब हमें दिखता है कि एमिली अपने ऑफिस में भी स्ट्रेस में है, जो उसके कलीग भी नोटिस करते हैं, खास करके उसकी बॉस। अब एमिली की डॉक्टर जॉन के साथ मेंटल थेरेपी शुरू हो जाती है। वो जॉन को उसकी लाइफ स्टोरी बताती है, कैसे वो न्यूयॉर्क आई, कैसे वो शुरुआती दिनों में बार में काम करती थी जहाँ उसकी मार्टिन से मुलाकात हुई, कैसे उनकी रिलेशनशिप डेवलप हुई, कैसे उनकी शादी हुई। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन उस वक्त पैसे वाला था, तो एमिली बार में काम करने वाली मामूली लड़की। एमिली जॉन को बताती है कि पहले भी उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए वह विक्टोरिया सीबर्ट नाम के साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रही थी। अब जॉन विक्टोरिया से मिलने जाता है ताकि वह एमिली के बीमारी की हिस्ट्री जान सके। विक्टोरिया उसे बताती है कि उसने एमिली की 9 महीने ट्रीटमेंट की, उसका मिसकैरेज हुआ था जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में गई थी। जॉन विक्टोरिया को बताता है वह उसे रेगुलर दवाई दे रहा है। विक्टोरिया जॉन को सजेस्ट करती है कि क्यों ना वह पुरानी दवाई छोड़ के कुछ नई दवाई एमिली को दे, खास करके जिसकी एड्स टीवी पे दिखाई जा रही हो, जिसका मार्केट में बोलबाला हो, क्योंकि नई पॉपुलर चीज़ों की ओर लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ऐसी बातें मेंटली भी पॉजिटिव इफेक्ट करती है। विक्टोरिया जॉन को बताती है कि मैंने अपने कई पेशेंट के साथ यह एक्सपेरिमेंट किया। मैंने उन्हें एब्लिक्सा नाम की नई दवाई दी और उससे मेरे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ गया। जॉन सोच में पड़ जाता है। यहाँ एमिली और मार्टिन उनके एक फ्रेंड के पार्टी में जाते हैं, जहाँ एमिली डिप्रेशन में जाती है। पार्टी के सभी गेस्ट इस बात को नोटिस करते हैं। एक शाम एमिली मेट्रो रेलवे के यहाँ भी डिप्रेशन में जाती है, मगर तब वहाँ उसे एक पुलिस बचाता है। एक दिन जॉन अपनी वाइफ डोरा के साथ हॉस्पिटल में गेस्ट रूम में बैठा होता है, तभी वहाँ पे एमिली आती है। एमिली की बातों से हमें पता चलता है कि वह अपने फ्यूचर को लेके निराश हो गई है। एमिली जॉन को बताती है कि उसने लिख के दी हुई दवाई वह ले रही है, मगर उससे उसे चक्कर आ रहे हैं। एमिली जॉन को यह भी बताती है कि उसकी कलीग जूलिया को भी सेम प्रॉब्लम था और उसने एब्लिक्सा नाम की नई दवाई ट्राई की, जिसके सेवन से वह अब ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही है। उसकी बातें सुनकर जॉन एमिली को भी वही दवाई प्रिस्क्राइब करता है। अब इस नई दवाई एब्लिक्सा के भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। जॉन के ग्रुप में कुछ हाई प्रोफाइल लोग हैं जो FDA से रिलेटेड है। FDA USA की वह ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग्स और मेडिसिन को मार्केट में सेल करने की परमिशन देती है, मगर परमिशन देने के पहले किसी भी मेडिसिन को पहले इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब उसके नतीजे अच्छे निकलते हैं तो उसे NDA का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके जरिए वह आगे की सेल की प्रोसीजर कर सकती है। NDA यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो जॉन के ग्रुप की एक औरत जॉन को एक जॉब ऑफर करती है, जिसमें जॉन को नई मेडिसिन को किसी इंसान पर एक्सपेरिमेंट करके उसके रिपोर्ट सबमिट करने हैं। मतलब उसे देखना है क्या उस दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स है। उस जॉब में जॉन को $50,000 की बड़ी सैलरी मिलने वाली है। यह ऑफर सुन के जॉन बहुत खुश होता है। वह यह बात अपनी बीवी डोरा को बताता है। वह भी बहुत खुश होती है क्योंकि अब वह जल्दी ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। यहाँ एमिली अब वह नई एब्लिक्सा नाम की दवाई लेने लगती है, जिससे वह अपने इंटीमेट रिलेशंस में जोश महसूस करती है। एमिली में यह बदलाव मार्टिन भी नोटिस करता है,
मगर दूसरे ही पल हमें दिखता है कि एमिली नींद में चलने लगी है और काम भी करने लगी है, जो शायद एब्लेक्सा के साइड इफेक्ट्स है। मार्टिन जॉन को कंसल्ट करता है कि वह एमिली की एब्लेक्सा बंद करवा दे, मगर एमिली एब्लेक्सा की वजह से एनर्जेटिक फील कर रही है। वो मार्टिन को कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे डॉक्टर ही चेंज करना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर जॉन अंदर से थोड़ा कॉन्शियस होता है और वो एमिली को एब्लेक्सा कंटिन्यू करने की परमिशन देता है। एमिली एब्लेक्सा का सेवन चालू रखती है। एक दिन एमिली घर पे छुरी से सब्जी काट रही होती है, तभी मार्टिन अपनी बिजनेस टूर से घर आता है। मार्टिन एमिली के पास आता ही है कि तभी ऑल ऑफ अ सडन एमिली मार्टिन के पेट में छुरी भोंक देती है। वो छुरी भोंकती ही जाती है। उसकी उस वक्त की हालत देख के हमें पता चलता है कि एमिली नींद में है, जिसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं, और वह अपने होशो हवास में नहीं है। वह ऐसे स्टेट में है जिसमें उसे खुद को पता नहीं चल रहा है वह क्या कर रही है। वह ऐसे बिहेव कर रही है मानो उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। दूसरे दिन पुलिस आके मार्टिन की लाश को लेके जाती है और एमिली को अरेस्ट करती है। एमिली रोते रोते पुलिस को बयान देती है कि उसके हाथों यह सब तभी हुआ जब वो होश में नहीं थी। अब सरकारी वकील जॉन को बुलाते हैं क्योंकि एमिली ने जॉन को मिलने की जिद की थी। जॉन से उन्हें पता चलता है कि वो एमिली के डिप्रेशन पे इलाज कर रहा था। जॉन उन्हें कहता है कि एमिली को नींद में चलने की बीमारी शुरू हुई थी, जो अनजाने में मर्डर करने की एक वजह हो सकती है। वकील जॉन को बताता है खून की दो ही वजह हो सकती है, या तो यह जानबूझ के किया हुआ मर्डर है या एमिली गलत मेडिकल ट्रीटमेंट की शिकार है। और अगर ऐसा है तो जॉन को बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना होगा, क्योंकि जॉन उसका डॉक्टर है और उसी ने उसे डिप्रेशन की दवा लिख के दी थी, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से यह सब हुआ। मतलब एमिली और जॉन दोनों में से एक ही मुजरिम हो सकता है। उसकी बातें सुनकर जॉन बहुत टेंशन में आ जाता है, मगर सरकार की तरफ से जॉन को सहूलियत दी जाती है कि जब तक फैसला नहीं आता वह एमिली की ट्रीटमेंट जारी रख सकता है। जॉन एमिली को मिलता है। एमिली पूरा दोष एब्लेक्सा टैबलेट को देती है, जिनके साइड इफेक्ट्स की वजह से उसके हाथों यह काम हुआ। जॉन विक्टोरिया को मिलता है क्योंकि एब्लेक्सा उसकी आइडिया थी, मगर अब विक्टोरिया इस बात से इनकार करती है कि उसने कोई ऐसी आइडिया जॉन को दी थी। यहाँ एमिली की वकील भी उसे ऐसा एग्जाम्पल देती है जिसमें पत्नी ने अपने पति का खून अनकॉन्शियस अवस्था में किया और वो कानून से बरी हो गई। वकील जॉन से कहती है कि अगर एमिली अपने ट्रीटमेंट को कसूरवार ठहराती रही तो जॉन की मुश्किलें बढ़ती जाएगी। अब जॉन और टेंशन में आ जाता है। यहाँ मार्टिन की माँ एमिली का स्टेटमेंट एक डिबेट शो में पढ़ती है, जिसमें एमिली ने कहा होता है कि वो गलत ट्रीटमेंट की शिकार है, यानी सीधा सीधा वो जॉन को दोषी ठहराती है, जिसमें यह बात भी पब्लिक के सामने आ जाती है कि एमिली एब्लेक्सा दवाई लेती थी। एब्लेक्सा का रिप्रेजेंटेटिव इस बात से साफ इनकार करता है। वो बताता है कि उनकी दवाई FDA अप्रूव है और कई लोग उसे ले चुके हैं, मगर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो इंटरव्यू देख के जॉन समझ जाता है दोनों अपने अपने हाथ झाड़ रहे हैं, मतलब वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। अब मीडिया जॉन को घेर लेती है। जॉन के दूसरे पेशेंट का भी उस पर से विश्वास उड़ने लगता है। अब हॉस्पिटल की अथॉरिटी भी जॉन की पूछताछ करने लगती है, जिसमें यह परिणाम निकलता है कि जॉन काम के ओवरलोड की वजह से स्ट्रेस में था, जिसकी वजह से उससे यह गलत ट्रीटमेंट हो गई। अब इन हालातों की वजह से जॉन के घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। अब एमिली पे कोर्ट में केस चलने लगता है, जिसमें एमिली के डिप्रेशन प्रॉब्लम को कोर्ट सच मानती है और एब्लेक्सा के साइड इफेक्ट्स के कारण पे सहमत होती है, तो कोर्ट एमिली को उसके पति के मर्डर के जुर्म से बरी करती है। एमिली भी बच जाती है और जॉन भी। अब एमिली को ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां जॉन उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखता है, मगर जॉन अब अलग प्रॉब्लम में फंसता है। एब्लेक्सा के साइड इफेक्ट्स की वजह से लोग एब्लेक्सा से मुंह मोड़ने लगे हैं, उसका सेल्स कम हो गया है, और इन सब का ब्लेम उस लेडी को भी दिया जाता है जिसने एब्लेक्सा को FDA के जरिए अप्रूवल दिलाया। वह लेडी उसी ग्रुप से है जहां से जॉन को 50,000 सैलरी की जॉब ऑफर हुई थी। अब उस लेडी के काम पे भी उंगली उठने लगती है, जिससे वो जॉन पे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसका मानना है एमिली जॉन की पेशेंट है और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जॉन ही है। वो गुस्से से जॉन से कहती है कि इन इंसिडेंट्स की वजह से जॉन भी अपना मेडिकल स्टेटस गंवाते जा रहा है। इन शॉर्ट, जॉन की 50,000 की जॉब ऑफर चली जाती है। जॉन कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। अब उसका दोस्त उसे एक रास्ता दिखाता है जो रिस्की होता है। वो जॉन से कहता है कि कोर्ट में ऐसा दिखा जैसे तेरे और एमिली के बीच संबंध है और उसके चलते एमिली ने अपने पति को मारा, जिससे तुम्हारा मेडिकल स्टेटस भी बना रहेगा, एब्लेक्सा का स्टेटस भी रहेगा और तुम्हारी जॉब ऑफर भी बनी रहेगी। यह आइडिया उस शख्स को इसलिए आता है क्योंकि जॉन के पास्ट में भी एक ऐसा इंसिडेंस हो चुका है, जिसमें जॉन की जवानी के वक्त उसकी एक पेशेंट उसके प्यार में पागल थी और उस वक्त ऐसी चर्चा हुई थी कि जॉन और उस एलिसन नाम की लड़की के बीच संबंध है।
जिसमें उस लड़की ने आगे सुसाइड की थी। जॉन को दोस्त उसे कहता है कि वह अपने कैरेक्टर को दाव पे लगा के अपना करियर बचा सकता है। जॉन अपना करियर बचाने के लिए वह ऑप्शन अपनाता है, मगर इस बात को मीडिया नमक मिर्च लगा के छापती है, जिससे जॉन की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। जॉन अपनी वाइफ को सच्चाई समझाते थक जाता है कि उसके कभी एलिसन नाम की लड़की के साथ रिलेशंस थे ही नहीं। एक दिन जॉन एब्लेक्सा की साइट चेक कर रहा होता है, तब वहाँ पे उसे विक्टोरिया का आर्टिकल दिखाई देता है, जिसमें विक्टोरिया ने अपने कुछ पेशेंट पे एब्लेक्सा का प्रयोग किया था, जिससे उन्हें स्लीप वॉकिंग का प्रॉब्लम हुआ था। अब जॉन विक्टोरिया से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने जॉन को पहले क्यों नहीं इन साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। विक्टोरिया उसे कहती है, हर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर पेशेंट का इलाज तो करना ही पड़ता है। अब जॉन को शक होने लगता है कि शायद विक्टोरिया के आर्टिकल को पढ़ के एमिली के दिमाग में कुछ प्लान बना हो, जिसके चलते उसने यह सब खेल खेला। तो वह उस पार्किंग में जाता है जहाँ एमिली ने अपनी गाड़ी टकराई थी। वहाँ उसे वह शख्स मिलता है जिसके सामने वो वाकयात हुआ था। उस शख्स के अनुसार उस वक्त एमिली ने सीट बेल्ट लगाया था, मतलब वह एमिली का सुसाइड अटेम्प्ट नहीं था, जानबूझ के की हुई हरकत थी। जॉन अब एमिली के मीडिया ऑफिस जाता है, जहाँ उसे सीट बेल्ट को लेके बनाया हुआ एक कमर्शियल दिखता है, जिसमें बताया गया है कि अगर सीट बेल्ट पहनी हुई पोजीशन में एक्सीडेंट हो तो मौत से बचा जा सकता है। अब जॉन एमिली के ऑफिस में पूछताछ करता है कि ऑफिस में कोई जूलिया नाम की लड़की है, क्योंकि आपको याद होगा एमिली ने जूलिया का नाम लेके जॉन से एक दिन कहा था कि उसकी कलीग जूलिया भी एब्लेक्सा दवाई लेती है और उसे अच्छे रिजल्ट मिले थे। काफी पूछताछ करने के बाद जॉन को पता चलता है कि एमिली के ऑफिस में जूलिया नाम की कोई लड़की है ही नहीं। अब जॉन एमिली से पूछता है कि उसने जिस जूलिया का रेफरेंस दिया था, ऐसी कोई लड़की उसके ऑफिस में है ही नहीं। एमिली जॉन से कहती है, जूलिया उसके ऑफिस में नहीं बल्कि 5 साल पहले उसके साथ बार में काम करती थी। अब जॉन समझ जाता है एमिली किसी कारण झूठ बोल रही है, मगर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए उसने अपने पति को मार के अपनी जान को जोखिम में डाला। जॉन की दोस्त उसे बताती है कि एब्लेक्सा का नाम उसके साइड इफेक्ट्स को लेके बहुत खराब हुआ है, जिसका फायदा ट्रेडिंग करने वाले कुछ लोगों को हुआ है। जॉन ट्रेडिंग साइट पे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एब्लेक्सा के शेयर गिरने की वजह से शेयर मार्केट में कुछ लोगों की चांदी हुई है। अब जॉन को धीरे धीरे एमिली का प्लान समझ में आता है, मगर सच्चाई जानने के लिए वह एक खेल खेलता है। वह एमिली को बोलता है कि उसे मेंटल हॉस्पिटल से रिहा करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट के सामने साबित करना होगा कि वह अच्छी हो गई है, इसलिए वह उसे एक ट्रूथ सीरम यानी दवाई देगा जिससे उसे कुछ मदहोशी महसूस होगी, और इस अवस्था में जॉन उससे कुछ सवाल पूछेगा जिसका वह सच सच जवाब देगी। जॉन वीडियो कैमरा ऑन करता है, फिर वह एमिली को सीरम इंजेक्ट करता है। एमिली नशीलापन महसूस करती है और मदहोशी में जॉन ने पूछे हुए सवालों का जवाब देती है। वह देख के जॉन कन्फर्म हो जाता है कि एमिली अब तक डिप्रेशन की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट यह है कि जॉन ने एमिली को ट्रूथ सीरम के नाम पे सादा नमक का पानी इंजेक्ट किया था और एमिली ने मदहोशी की बखूबी एक्टिंग करके उसके सवालों के जवाब दिए और उसे जताया कि वो नशे के अमल में है। क्या नमक के पानी से भी किसी को नशा होता है? अब जॉन अपने वो सबूतों के साथ सरकारी वकील के पास जाके उसे यह सब बात बताता है। वह चाहता है कि केस को रीओपन किया जाए, मगर वो वकील मजबूर है क्योंकि अमेरिकन कायदे के अनुसार किसी को एक बार जुर्म से बाइज्जत बरी किया हो तो उसी सेम इल्जाम पे उस शख्स पे फिर से केस नहीं किया जा सकता। वकील उसे समझाता है कि अगर वह ऐसा करेगा भी तो इससे जॉन की गलती समझी जाएगी कि एक एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट होके भी वह अपने पेशेंट के डिप्रेशन की एक्टिंग को नहीं पकड़ पाया और उस वकील का करियर भी मुसीबत में आ जाएगा क्योंकि उसने कसूरवार को बेकसूर ठहराया। दोनों की भलाई इसी में है कि वह यह सब भूल जाए। जॉन भी यह भुलाने की सोचता है, मगर वह अभी भी जान नहीं पाया कि एमिली का प्लान क्या है। तो वह जानने के लिए जॉन एमिली को मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है, जहां रजिस्टर पे उसे विक्टोरिया का विजिट एंट्री पे नाम दिखाई देता है। अब जॉन समझ जाता है इस प्लान में एमिली अकेली नहीं, विक्टोरिया भी उसके साथ है, वरना वह एमिली से मिलने इतने दूर हॉस्पिटल क्यों आती। अब जॉन विक्टोरिया को मिलके उसे झूठ बोलता है कि उसे उनके प्लान के बारे में पता चल गया है, जिससे विक्टोरिया बौखला जाती है। वह अपना आखिरी कार्ड खेलती है। विक्टोरिया ने जॉन और एमिली के साथ वाले फोटो सेफ्टी साइड के लिए पहले ही शूट किए हुए थे, जिसको देख के ऐसा लगता था कि जॉन और एमिली के बीच संबंध है, और उसने एमिली को लिंजरी गिफ्ट की थी। अब विक्टोरिया वो फोटो जॉन की वाइफ को भेजती है, जिससे जॉन के वाइफ का उस पे से विश्वास खत्म होता है और वो उसे छोड़ के चली जाती है। फिर भी जॉन नहीं डगमगाता तो विक्टोरिया उसे मिलने बुलाती है। वह उससे कहती है कि अभी तो यह फोटो उसने सिर्फ उसे ही भेजे है, अगर वह चुप नहीं बैठा तो वह यह फोटो मीडिया में देगी, जिससे उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस खत्म होगा
और उसके साथ जॉन का करियर भी खत्म होगा। जॉन उसे उल्टा बोलता है कि वो बेशक फोटो मीडिया में दे, मगर ऐसा हुआ तो वो मीडिया को बताएगा कि कैसे विक्टोरिया ने एब्लेक्सा के शेयर्स गिरा के कैसे ट्रेडिंग मैनिपुलेशन किया और मिलियन डॉलर कमाए। उसकी बातें सुनकर विक्टोरिया आग बबूला हो जाती है। दूसरी ओर जॉन एमिली के दिमाग में डालता है कि विक्टोरिया उसे एमिली का शेयर देने वाली है, जिसके बदले उसे एमिली को पागल साबित करना है, जो जॉन के दाएं हाथ का काम है। वह एमिली को बताता है कि विक्टोरिया का एमिली पे विश्वास नहीं, क्योंकि वह एमिली को डिप्रेस लड़की समझती है जो कभी भी इस राज को दुनिया के सामने खोल सकती है। बेटर है उसे पागल खाने में ही रखा जाए। अब जॉन मैनिपुलेट करके एमिली को ऐसा दर्शाता है कि वह एमिली को पागल करने के प्लान में विक्टोरिया को साथ दे रहा है। वह एक बड़ा सूटकेस भी कैरी करता है, जिसे देख के एमिली को लगता है कि उसमें विक्टोरिया ने जॉन को दिए हुए पैसे हैं। अब एमिली को यकीन होने लगता है कि विक्टोरिया उसके खिलाफ हो गई है। अब इस बात का बदला लेने के लिए एमिली जॉन को साथ देने का फैसला करती है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी पागलखाने में नहीं गुजारनी। वह जॉन को उसका और विक्टोरिया का पूरा प्लान बताती है, कैसे उसने पैसे के लिए मार्टिन से शादी की और मार्टिन की बेवकूफ़ी से उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, क्योंकि मार्टिन ट्रेडिंग मैनिपुलेशन करके पैसे कमाता था। उसने मार्टिन से ही यह सब ट्रेडिंग के पैंतरे सीखे थे। फिर डिप्रेशन की वजह से उसकी विक्टोरिया से मुलाकात हुई, जो साइकेट्रिस्ट थी। उन दोनों में शारीरिक संबंध प्रस्थापित हुए। अब दोनों ने अपने एक्सपीरियंस से एक प्लान बनाया। एमिली को ट्रेडिंग मैनिपुलेशन कैसे करते हैं पता था, तो विक्टोरिया को डिप्रेशन की गोलियां और उनके साइड इफेक्ट्स पता थे। जब उन्होंने देखा कि मार्केट में एब्लेक्सा का नाम उछल रहा है, तो उन्होंने एब्लेक्सा दवाई और उसके साइड इफेक्ट्स को टारगेट किया। फिर एमिली अपने डिप्रेशन को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने लगी, जैसे कि कार का टकराना, पार्टी में डिप्रेस होने की एक्टिंग करना, रेलवे के सामने सुसाइड का नाटक। उसका मार्टिन के लिए गिफ्ट लेना भी प्लान का एक हिस्सा था, यह जताने के लिए कि वो मार्टिन के साथ खुश है। एमिली ने जॉन ने प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन कभी नहीं लिए, हाँ मगर एब्लेक्सा जरूर ली, ताकि आगे जाके उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो उसके शरीर में एब्लेक्सा के अंश मिले। असलियत में एब्लेक्सा के उसके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट्स हुए ही नहीं, मगर उन्हें अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तलाश थी एक ऐसे साइकेट्रिस्ट की जिसको वो विक्टिम बना सके, और उन्हें जॉन के रूप में वो मिला भी। विक्टोरिया ने जॉन के दिमाग में एब्लेक्सा का नाम डाला और जॉन ने वो दवाई एमिली को सजेस्ट की। फिर विक्टोरिया ने एब्लेक्सा के गिरने पे बेटिंग लगाई। बेटिंग दो तरह की होती है, एक शेयर के ऊपर जाने पे तो दूसरी शेयर के नीचे गिर जाने पे। एब्लेक्सा के शेयर आसमान छू रहे थे, उनके नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं था। इस बात को लेके विक्टोरिया को उसके डाउन बेटिंग पे कई गुना भाव मिला। एमिली ने एब्लेक्सा के साइड इफेक्ट्स के नाम पे मार्टिन को मारा, जिस न्यूज को मीडिया ने बहुत उछाला। परिणाम एब्लेक्सा के शेयर नीचे गिरे, विक्टोरिया मिलियनेयर बन गई। अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा सिनारियो जिसमें वह दिखा सके कि एमिली ने स्लीप वॉकिंग में मर्डर किया, जिसमें उन्होंने जॉन को इस्तेमाल किया। जॉन ने भी अपने आप को बचाने के लिए एब्लेक्सा के ऊपर उंगली उठाई। कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया कि एब्लेक्सा के स्लीप वॉकिंग साइड इफेक्ट्स की वजह से एमिली ने उस अवस्था में मार्टिन को मारा। एमिली बाइज्जत बरी हुई। उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल में छोटी सी ट्रीटमेंट करके एमिली का बाहर आना तो तय ही था। जॉन उसका वो मास्टर प्लान सुन के शॉक होता है। अब वह एमिली से किए हुए वादे के अनुसार अपने ट्रीटमेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट देके एमिली को हॉस्पिटल से छुड़ाता है, मगर वह शर्त रखता है कि एमिली जॉन के क्लिनिक में रेगुलरली विजिट देती रहेगी, और अगर इस बार उसे एमिली में कोई डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दिए तो वह उसे फिर से हॉस्पिटल भेज देगा। अब हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद एमिली डबल क्रॉस का बदला लेने विक्टोरिया से मिलती है, मगर दरअसल यह जॉन का प्लान होता है। एमिली विक्टोरिया से उनके प्लान के बारे में सब कुछ उगलवाती है, जो घर के बाहर खड़ी पुलिस एमिली को लगाए माइक्रोफोन से सुनती है। पुलिस विक्टोरिया को ट्रेडिंग मैनिपुलेशन और मर्डर कॉन्स्परेंसी के जुर्म में अरेस्ट करती है। तो जॉन डबल गेम खेल के एमिली को अनस्टेबल और डिप्रेस बता के फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजता है और अपना बदला पूरा करता है। जॉन ने सबमिट किए गए रिपोर्ट के अनुसार एमिली की बची हुई जिंदगी मेंटल हॉस्पिटल में ही कटने वाली थी। जॉन फिर से अपनी खुशहाल फैमिली लाइफ जीने लगता है। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको यह सस्पेंस ड्रामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।